एकता नगर केवड़िया कॉलोनी टेंट सिटी 2 से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय उद्योग मंत्रालय की ओर से इंडस्ट्री 4.0 विषय पर परिषद की शुरुआत आज से करवाई गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल गांधीनगर से इस परिषद में वर्चुअली जुड़े थे। इसके साथ ही केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय सचिव इस दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा गुजरात और कर्नाटक में 175 जितनी इलेक्ट्रिक बसों का मंत्री और पदाधिकारियों के हाथों हरी झंडी दिखाकर इस परिषद के तहत प्रस्थान करवाया गया। आज फेम 2 के अंतर्गत जो दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि हम सभी शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और इसके लिए फेम 1 फेम 2 दो स्कीमें ला, फेम 1 पूरा हुआ जिसमें हम टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स तथा कमर्शियल फोर व्हीलर्स और वाणिज्यिक बसों को सबको हम सब्सिडी देते हैं और उस सब्सिडी से हम प्रोत्साहन देते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स का इस्तेमाल करें और उस दिशा में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है और लगभग 3,800 से अधिक बसें आज ऑन प्लेटफॉर्म चल रही है रोड पर और आगामी कालखंड में लगभग 7,000 से अधिक बसें भारत के विभिन्न शहरों में आ जाएंगी। इसी तरह से यंगस्टर्स टू व्हीलर्स में बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं और जो थ्री व्हीलर्स में भी ये ई थ्री व्हीलर्स का भी बहुत आकर्षण है। तो इन दृष्टियों से हम लोग आज इसमें उसी क्रम में आज 175 गुजरात यहाँ केवड़िया से और 100 बेंगलुरु से आज लॉन्च हुई है। हम सबको इस मौके पर आज इंडस्ट्री 4.0 की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी चैम्बर के माध्यम से करके देश में आगे जो ये नई औद्योगिक क्रांति की तरफ भारत आगे दुनिया में बढ़ रहा है उस मंथन से लोगों को आगे निश्चित तौर से मार्गदर्शक राहें मिलेंगी, इस अपेक्षा से हम सब। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।